बस्तर प्रखंड क्षेत्र के सेंदुआर पंचायत अंतर्गत बल्लभधरपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में भारी अनियमितता सामने आई है, जहां 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में मात्र 2 शिक्षक ही हैं। विद्यालय में शौचालय की साफ सफाई नहीं है, बच्चों को मध्यान्ह रोज नहीं मिल पाता है, यानी मिड डे मील से बच्चे वंचित रहते हैं, और इस तमाम कुव्यवस्था का, इन स्थितियों का जायजा लिया है डीटीवी भारत से रोहतास के सहयोगी अश्विनी पांडे ने। यह स्थिति है बिहार के विद्यालय का। जी हाँ, बात कर रहे हैं रोहतास जिले के करघर प्रखंड के बलभद्रपुर गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है, आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय बलभद्रपुर अंचल करघर, यहाँ पर बच्चे जैसा के बता रहे हैं कि 12 बजे ही यहाँ पर विद्यालय में छुट्टी कर दी जाती है, और मिड डे मील की अगर बात करें तो बच्चों का मिड डे मील जो है यदा कदा ही मिलता है, यानी बच्चों का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर मिड डे मील रोज नहीं दिया जाता है। ऐसे में यहाँ पर 2 शिक्षक हैं और दोनों शिक्षक अभी गायब हैं। अभी कितना टाइम हो रहा होगा, तकरीबन यहाँ पर 1 बज रहा है और 1 बजे से पहले ही बताया जा रहा है कि यहाँ शिक्षक नदारद हो गए। तो यह स्थिति है बलभद्रपुर प्राथमिक विद्यालय की, जहाँ बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5। यहाँ पर विद्यालय में पढ़ाई होती है? नहीं। मिड डे मील मिलता है भोजन? नहीं, डेली नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता है। यहाँ का हेडमास्टर कौन है? बाकी बिहारी चौबे। अच्छा, पढ़ाई कब तक होती है? 12 बजे, इसके बाद छुट्टी हो जाती है। या। कितने शिक्षक हैं? 2। अगर इस तरीके से बच्चों का भविष्य रहा तो देश का क्या विकास होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अपने कैमरा पर्सन के साथ डीटीवी भारत के लिए रोहतास के बलभद्रपुर से मैं अश्विनी पांडे। और खबर कटिहार से है, जहां जिलाधिकारी ने समाहरणालय में मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि जागरूकता रथ के माध्यम से आधार कार्ड से वोटर कार्ड को जोड़ने, 18 साल के ऊपर के मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने जैसी जानकारी दी जाएगी। ये मतदाता जागरूकता रथ है, 2-3 नई चीजें हो रही हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट में, उसी के संबंध में लोगों को जागरूक करना है। आपके माध्यम से पुनः कहना चाहूँगा कि एक तो जितने भी हमारे वोटर आई कार्ड हैं उनको आधार से जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। अभी तक 23% वोटर्स आधार के माध्यम से जुड़ चुके हैं। ये BLO जो है हमारा, जो इलेक्शन कमीशन का ऐप है, उसके माध्यम से तत्काल उसको जोड़ देते हैं। 23% प्रगति हम लोगों ने की है और हम लोगों ने आने वाले 7 दिनों में इसको 70% तक करने का लक्ष्य बनाया है। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में अधवारा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कटाव तेज होने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि नदी के बांध का मरम्मत कुछ महीने पहले ही हुआ था, जो ढह गया। इस तट का कटाव होने से करीब 50 गांव चपेट में आएंगे। ग्रामीणों ने बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा से गुहार लगाया है और कहा है कि मंत्री निरीक्षण कर उचित कार्रवाई करें।